करनाल में स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन से जुड़े कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और सिविल सर्जन ऑफिस का घेराव किया गया। कर्मचारी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे। स्वास्थ्य कर्मचारी यूनियन की महिला नेता ने बताया कि जो कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में ठेके पर लगाए गए थे, उन्होंने कोरोना काल में बेहद ही सराहनीय कार्य किया और अपने बाल बच्चों से दूर रहकर कोरोना पीड़ित मरीजों के समीप जाकर अपनी सेवाएं दी, परंतु अब सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है और उनको 3 महीने का गैप देकर नौकरी से हटाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका सर्व कर्मचारी संघ एवं स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जोरदार विरोध करता है। उसी के चलते आज सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ठेके पर जो स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको रेगुलर किया जाए और ठेका प्रथा को बंद किया जाए, सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो सर्व कर्मचारी संघ के साथ मिलकर वह संघर्ष को और तेज करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में लगे हुए ठेका स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने के लिए सम्मानित भी किए गए और इन स्वास्थ्य कर्मचारियों की चारों ओर कोरोना योद्धा कहकर प्रशंसा भी की गई, परंतु अब इनको नौकरी से हटाने का जो कार्य सरकार कर रही है, उसके विरोध में सर्व कर्मचारी संघ इनके समर्थन में उतर चुका है और सरकार के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज करनाल के मुख्य मार्गों से रोष प्रदर्शन करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य कर्मचारी सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। क्योंकि जो हमारे अपने स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी हैं, जो कोरोना के टाइम में है ना, पूरा ही लोग तो घरों में बैठे थे, डॉक्टर भी उसमें थे अपनी स्कॉटी में, और ये अपने सारे ही कांटेक्ट में थे, मरीजों के कांटेक्ट में थे। इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया ठेका कर्मचारियों ने, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों ने, और 3-3 महीने का ने गैप दे रहे सरकार। मैं तो हम कहना चाहते हैं कि इन्हें पक्का किया जाए, इतना नहीं पक्का कर दे बीच में से इनके ठेका खत्म किया जाए, जो ठेकेदार है ठेकेदार खत्म किया जाए, और न्यूनतम वेतन इन्हें 24,000 रुपए दिया जाए, जो इनकी ईएफआई है, जो पीएफ है, वो भी इनका लागू किया जाए, जिनकी जायज मांगे सरकार इनकी मांगों को मांग ले, कानूनों को वापस ले, और अन्यथा नहीं तो ये अभी नहीं, जो सरकार ने जैसे हरियाणा सरकार मुर्दाबाद कर्मचारी को पकड़ रही है, लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।